हेलो एवरीबॉडी, तो हमने अपने पार्ट वन में अपने द रियलम ऑफ द अर्थ ज्योग्राफी का हमने एशिया तक रीड किया था, तो स्टडी किया था। तो अब हम यूरोप से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूरोप कहाँ है? वो अपने वेस्ट में, अपने एशिया के वेस्ट में लोकेटेड है। हमने स्टडी किया था कि अपने एशिया के वेस्ट में क्या है, यूरोप है। एंड यूरोप और एशिया जो है वो यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर के साथ क्या है, सेपरेटेड है। यूरोप इज मच स्मॉलर इन एरिया, बहुत छोटा है एरिया में एशिया से। वो अपने देखो एशिया कितना कवर करता है, 29.6%, और यूरोप कितना कवर करता है, ये कवर करता है ओनली अपना 7% ऑफ द टोटल लैंड मास। द आर्कटिक ओशन लाइज टू द नॉर्थ एंड द मेडिटेरियन सी टू द साउथ एंड द एटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। यूरोप के जो आर्कटिक ओशन है वो नॉर्थ में लाया जाता है, मेडिटेरियन सी टू द साउथ एंड द एटलांटिक ओशन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। दे आर इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा, इनका हाई स्टैंडर्ड है किसका, लिविंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, आगे है अपना अफ्रीका। अफ्रीका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अपना एशिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अपना अफ्रीका। और ये बहुत ही हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। अपने यूरोप के साथ ही सेपरेटेड है बाय द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। ठीक है, आप देखो अपने एशिया और यूरोप किसके साथ सेपरेटेड थे, यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर के साथ। अब अपना यूरोप और अफ्रीका किसके साथ सेपरेटेड है, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। ठीक है, द एटलांटिक ओशन इज ऑन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इज ऑन इट्स ईस्ट। इसके ईस्ट में क्या है, इंडियन ओशन है, और एटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है। ये मतलब थ्रू आउट द ईयर इसको हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके, देखो मान लो ये अफ्रीका है, मान के चलो बस एक बार, इसके बिल्कुल मिडल में से, यहाँ से सॉरी इसके बिल्कुल मिडल में से, मैंने थोड़ा सा गलत बना दी, यहाँ से मान लो, यहाँ से इसके बिल्कुल मिडल में से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल मिडल में से अपना इक्वेटर पास करता है। और इंडिया का पूछा जाए इंडियन के मिडल में से क्या पास करता है, तो क्या पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब वास्ट लैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इज अ डेजर्ट। अपना बहुत ज़्यादा जो लैंड है अपने नॉर्थ अफ्रीका का, वो क्या है, एक डेजर्ट है। एंड लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का लार्ज एरिया क्या है, वो घने फॉरेस्ट के साथ क्या है, कवर्ड है। आगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एंड वो कहाँ लाया करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एंड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। द अटलांटिक ओशन लाइज टू द ईस्ट, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है। एंड कैनेडा एंड यूएसए टू मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं इसके कॉन्टिनेंट। अब आपको एशिया का बताया था, तो एशिया की टू पॉपुलर्स कंट्रीज कौन सी हैं, चाइना एंड इंडिया। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी हैं, कैनेडा एंड यूएसए। आगे आ गया साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इट्स लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है इसका वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है। इट इज़ सराउंडेड बाय द एटलांटिक ओशन, ये अपने एटलांटिक ओशन इसके ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है। वही बात होगी नॉर्थ अमेरिका में भी एक था। ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चाइल जो है वो इसके मेजर कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट की। कौन कौन सी, देखो एशिया की थी चाइना एंड इंडिया, नॉर्थ अमेरिका की कैनेडा एंड यूएसए, एंड साउथ अमेरिका की ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चाइल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है इस कॉन्टिनेंट की, वो कौन सी है, एंडस एंड अमेजोन बेसिन। द लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है, अपने लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी, एंडस है, और अमेजोन बेसिन जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है अपने वर्ल्ड में, वो यहाँ पर लाया करता है। ठीक है, समझ आ गई, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया हमारा रह गया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया
दिस कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ये साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ये कंटिनेंट लाई करता है, कम्प्लीटली लाई करता है. वो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है. इट इज़ सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट. द साउदर्न ओशन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कंटिनेंट विच इज़ स्पेशली पॉपुलेटेड. जो ये कंटिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, इसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कंटिनेंट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें साउदर्न ओशियन साउथ ऑस्ट्रेलिया में लाए करता है. इसे हम और भी कहते हैं कुछ, तो मुझे कोई बताएगा. तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज, इंस्टेड ऑफ आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट तो इसे कहते ही कहते हैं, और भी क्या कहते हैं. आपको अपना दिमाग लगा के बताना है, गूगल वगैरह पे सर्च नहीं करना है. तो ये आज आपको होमवर्क टाइप समझिए, ठीक है. उसके बाद आ गया एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका तो एंटार्क्टिका जो है ये अपने बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है. इट स्ट्रेच अराउंड द साउथ पोल. देखो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये ठंडा क्यों है इतना, क्योंकि साउथ पोल में ये लाई करता है. साउथ पोल क्या है, बहुत ठंडा है. तो ये बिल्कुल साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल तक स्ट्रेच्ड है. तो इट इज इन द नॉर्थ, इट इज़ सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन. इन द नॉर्थ ये किसके साथ सराउंडेड है, साउदर्न ओशियन के साथ सराउंडेड है. एंड ये जो कॉन्टिनेंट है ये बहुत ही ज़्यादा थिक शीट ऑफ आइस एंड स्नो के साथ कवर्ड है. बहुत मोटी मोटी यहाँ पर आइस एंड स्नो आपको देखने को मिल जाएगी. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3/4 जो अपने मास ऑफ आइस है अपने अर्थ पे, 3/4 ऑफ द टोटल मास ऑफ आइस है अपने अर्थ का, वो अपने एंटार्क्टिका में ही आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा. और ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन यहाँ पर द लैंड इज़ नॉट इनहैबिटेड बाय ह्यूमन बीइंग. यहाँ पर लोग बहुत कम से भी कम रहते हैं, मतलब एक बार ही विज़िट करते हैं और विज़िट करके फिर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड होती है. तो यहाँ पर लाइफ सूटेबल नहीं है. साइंटिस्ट ऑफ सम कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश देयर रिसर्च सेंटर्स हेयर एंड इंडिया इज ऑल्सो एस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर इन एंटार्क्टिका. जो हमारा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इस कंट्री के, यहाँ पर इन्होंने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ पर एस्टेब्लिश किए हैं. और इंडिया ने भी अपना जो रिसर्च सेंटर है उसे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है. अगर पूछा जाए कि इंडिया के जो रिसर्च सेंटर हैं उनका नाम क्या है, तो आपको उनका नाम ज़रूर याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है. पूछा जा सकता है आपको, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री. ये इसकी टू रिसर्च सेंटर है, टू परमानेंट रिसर्च सेंटर है अपने इंडिया के, जिससे एंटार्क्टिका में क्या किया गया है, मतलब यहाँ पर डेवलप किया गया है. आपको ये समझ आ गई, ठीक है. तो ये हमारी आज की वीडियो थी. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो इसी के साथ ही बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.